गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर जिस तरह से अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने आपको दिखाई दे रहा है कि गवर्नर के लिए इकट्ठा कर दिया गया है कि मुनासिब नहीं है और किसान आपकी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अकाली दल के विधायक भी कह रहे हैं और उन्होंने सामने आपको दिखाई भी दे रहा है गवर्नर गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और आपने क्यों लिखा है इस पर इकट्ठा कर दिया यहाँ पे ऐसा क्यों किया किसानों की जमीन लूटी है जिसमें कि असं 115 MLA गए थे कोई तिने खेती जो बस ऊंची की लेकिन कांग्रेस रेड कार्पेट तो क्यों कर रही है जबकि कसूर कानून सी उसका कोई जवाब नहीं है। असं दो खड़े हुए हैं फिलहाल यहाँ पे विक्रम मजीठिया भी है। आपने ये रेड कार्पेट को इकट्ठा करवा दिया है गवर्नर के लिए बिछाया गया था ये ऐसे है कि इस गवर्नर साहब को जिसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने रेड कार्पेट बिछाया इन गवर्नर साहब ने पंजाब विधानसभा के 115 MLA को अपमानित करा 115 MLA किसानों के हक च जिहड़ा एक अमेंडमेंट सी भावें असी उस अमेंडमेंट नाल कई बार नहीं भी सहमत हुए मगर किसानों की क्योंकि गल सी गवर्नर साहब को गए वो कितने बिल तिने जिहड़ा बिल पास नहीं किया गवर्नर ने उन्हें कल्ले पंजाब विधानसभा की तोहीन नहीं उन्होंने किसानी की तोहीन जो गवर्नर उस गवर्नर को कैप्टन अमरिंदर सिंह रेड कार्पेट रखाओ ये फिक्स्ड मैच नहीं चलन लेकिन जो गवर्नर एड्रेस था उसमें कहा गया कि जो 3 कृषि कानून थे वो राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ आप मेरे को बताओ अगर कानून भेज दिए गए हैं तो कब भेज दिए गए हैं हमारे को आज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह यही बोली जा रहे हैं कि हम बोले वो पास नहीं करे और गवर्नर साहब के पास हम गए थे एक बारी भी आज तक इस गल बात की क्लैरिटी नहीं जरा किसान का विरोधी हो फिक्स्ड मैच चले एक पासे तो कहें बीजेपी का अपॉइंटेड है फिर बीजेपी के अपॉइंटेड गवर्नर नाल तुसी कादा फिक्स्ड मैच खेल रहे हो लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो किसानी नाल धोखा पंजाब दी तोहीन है गवर्नर स्पीच बारे तो ठीक कह रहे हैं कि जिंदगी की तरह पंजाब के किसानों की तोहीन भी है और यही कारण है कि आज उन्हें रेड कार्पेट तहस नहस कर दिया विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 क्योंकि झूठ नहीं चलूगा चंडीगढ़ 115